यूपी के मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बीती रात थाना राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे अंडरपास के समीप कपूर बगीची के पास थाना पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामी अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर जाहुल पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं इसके अन्य 3 साथी भी पुलिस ने दबोचे हैं। इनके कब्जे से 3 चोरी के ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली, तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि 25,000 का इनामी बदमाश जाहुल बरसाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं अपराधी जैकम जिला भरतपुर राजस्थान, होशियार सिंह जनपद बिजनौर और सतीश जनपद संभल का निवासी है और यह इनामी अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर जाहुल अपने साथियों के साथ मिलकर थाना राया क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। आज राया पुलिस को सूचना मिली थी कि विगत में जो राया से ट्रैक्टर चोरी हुए हैं वो अभियुक्त आज उन ट्रैक्टरों को ठिकाने लगाने के लिए कपूर बगीची के पास से गुजर रहे हैं। इस सूचना पर राया पुलिस स्वाट और सर्विलेंस टीम के द्वारा यहां पर चेकिंग आरंभ करेंगे। राया पुलिस को ये दिखाई दिया कि 3 ट्रैक्टर आ रहे हैं। उन्होंने जब उन ट्रैक्टरों को रुकने का इशारा किया तो ट्रैक्टर सवार के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जो कि एक बदमाश के पैर में लगी। पूछताछ पे उस बदमाश का नाम जाहुल जो कि थाना बरसाना जिला मथुरा का रहने वाला है जिसे 25,000 रुपए का इनाम था ये पता चला है। इसके 3 अन्य साथी भी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। मौके से 3 चोरी के ट्रैक्टर, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 सूखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।